इसराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध चल रहा है, जहां ईरान समर्थित लेबनान का हिजबुल्ला समूह हमास के पक्ष में खड़ा है। हर दिन लेबनान से दर्जन भर से ज्यादा रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन इसराइल या फिर इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर दागे जा रहे हैं। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। हिजबुल्ला इजरायली बलों की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने को मजबूर हो गया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की है। इस बीच हिजबुल्ला ने देर रात इजरायली लड़ाकू वाहनों पर सतह से हवा में वार करने वाली कई मिसाइलें दागी। दावा है कि हिजबुल्ला के एयर डिफेंस बैटरीज ने दक्षिणी लेबनान के ऊपर उड़ान भर रहे इजरायली जेट्स पर हमला किया। हिजबुल्ला ने इसे एयर स्पेस का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला ठिकानों की पड़ताल के लिए इजरायली जेट्स गश्त लगा रहे थे। इस दौरान वो हिजबुल्ला लड़ाकों के निशाने पर आ गए। इसके बाद तुरंत हिजबुल्ला ने उन पर हमला बोल दिया। हिजबुल्ला ने अपने ताजा बयान में जिक्र किया कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट ने मुस्तैदी दिखाई, जिससे समय रहते दक्षिण में इजरायली लड़ाकू विमानों पर मिसाइलें दागी गईं। इससे इजरायल को पीछे हटने और लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा से पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रतिरोध ने बुधवार देर रात तक कई ऑपरेशन भी चलाए, जो अगले दिन तक जारी रहे। लड़ाकों ने बिरकेट रिशा मिलिट्री साइट पर हमला किया है। दावा है कि सीधे हमले में स्पाईवेयर को निशाना बनाया गया, जिसे सटीक हमले में खत्म कर दिया गया। लड़ाकों ने कब्जे वाले लेबनानी शीबा फार्म्स में रुइसत अलकर्न मिलिट्री साइट पर भी हमला किया है। इस दौरान रॉकेट हथियारों से जमकर गोलीबारी की गई। इससे टारगेट पर सीधा हमले का दावा किया गया है। प्रतिरोध ने इजरायली सेना के काफिले पर भी हमला करने का दावा किया, जो अल मलिकिया मिलिट्री साइट में घुस गया था। बताया जाता है कि लड़ाकों ने पहले घात लगाकर इजरायली बलों की गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद टारगेट के नजदीक आते ही काफिले पर तोपखाने और रॉकेट आर्टिलरी के गोले दाग दिए। लड़ाकों ने हनीता मिलिट्री साइट पर भी तोपखाने से हमला करने का खुलासा किया है, जहां काफी नुकसान की संभावना जताई गई है। हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमलों की इजरायली रक्षा बलों ने भी पुष्टि की है। IDF के मुताबिक माउंट डोव इलाके पर लेबनान के रॉकेट हमले से एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। माउंट डोव में कई सैन्य अड्डे हैं, जहां पर कई प्रोजेक्टाइल्स दागे गए थे। किरियत शमोना इलाके में लेबनान से करीब 15 रॉकेट लॉन्च किए गए थे। इससे पहले लेबनान से गलीली पनहंदेल पर रॉकेटों की बौछार की गई थी। कुछ रॉकेट्स को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था। उत्तरी इसराइल पर कई ड्रोन हमले हुए, जिसने माउंट मेरोन इलाके को प्रभावित किया, जबकि अन्य को रोक दिया गया। हिजबुल्ला के हवाई हमलों के चलते लेबनान बॉर्डर के पास उत्तरी इलाकों में दिन में कई बार रॉकेट और ड्रोन अलर्ट सायरन बजते रहे। वहीं IDF के अनुसार लेबनान के हमलों का इजरायली बलों ने भी करारा जवाब दिया। सैनिकों ने तोपखाने के साथ लॉन्चिंग साइट पर गोलीबारी की। लड़ाकू विमानों ने कफरहाम में हिजबुल्ला रॉकेट लॉन्चर, आयतराक्षब में बुनियादी ढांचे और खियाम में ऑब्जर्वेशन चौकी पर हमला किया है। IDF ने बताया कि दक्षिणी लेबनान के टालुसे में हिजबुल्ला लड़ाकों के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया गया, जहां से इसराइल की ओर रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे। इजरायली बलों ने अपने जेट्स से दक्षिणी लेबनान की एक इमारत पर भी एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है, जिसका इस्तेमाल लेबनान से इसराइल पर रॉकेट दागने के लिए होता था।